फैमिली फर्स्ट, एकमात्र उनके जीवन का मिशन है। लेकिन दूसरी तरफ मोदी जी के नेतृत्व में यह मंच भी है जिनके लिए नेशन फर्स्ट है, राष्ट्र प्रथम के उन मूल्यों के साथ जो जीवन जीते हैं। एक तरफ वे लोग हैं जिन्होंने जातिवाद के आधार पर सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न किया, और दूसरी तरफ सबका साथ और सबके विकास के भाव के साथ कार्य करने वाले मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का परिवार है। एक तरफ स्वार्थी परिवार है जो गौतम बुद्ध नगर जनपद को अभिषिक्त बना लेता है, और दूसरी तरफ मोदी का परिवार है जो गौतम बुद्ध नगर जनपद में इस बात की परवाह के बगैर कि कुर्सी जानी है तो चली जाए, लेकिन गौतम बुद्ध नगर जनपद का विकास अवरुद्ध नहीं होना है। ये है विकास और सकारात्मक सोच के साथ नेशन फर्स्ट की थ्योरी। हम देश के बारे में सोचेंगे, देश रहेगा हम सब भी रहेंगे, देश रहेगा देश समृद्धि करेगा हम भी समृद्धि की ओर अग्रसर हो जाएंगे। एक वह भारत था जब लोग भूखों मर रहे थे, अन्नदाता किसान आत्महत्या कर रहा था, नौजवान पलायन करने के लिए मजबूर था, इंडस्ट्री बंदी के कगार पर थी, गुंडे और अपराधी जिस तरीके से व्यवहार करते थे, जिस प्रकार की अराजकता फैलाते थे, यही राज्य है, दंगा होता था, कर्फ्यू लगता था। मैं किसी देश में गया इस दौरान, मेरे पास वहां पर भारत के जितने भी हमारे राजनयिक थे, जिस भी देश में गया वहां पे वे लोग आके दो चार अधिकारी मिल के कहते थे, साहब हम लोग तो यहां काम कर रहे हैं, हमारे बूढ़े मां बाप हैं, गौतम बुद्ध नगर जनपद में हमने एक फ्लैट के लिए पैसा जमा किया था, कोई कहता था 10 साल हो गए, कोई कहता था 12 साल हो गए, कोई कहता था 15 साल हो गए, आज तक हमें नहीं मिला। और मुझे जब हम लोगों ने कमेटी गठित की और कमेटी की रिपोर्ट आई, तो मैंने यहां पे उसी समय अथॉरिटी से कहा, मैंने कहा भी देखो कमेटी की रिपोर्ट को आप लागू करो, हर हाल में लागू कर दो, कोई इसमें विवाद नहीं होना चाहिए, और हर एक बायर्स को उसका अधिकार मिल जाना चाहिए, इसकी प्रक्रिया को तेजी के साथ आगे बढ़ा दीजिए। और मुझे सचमुच बहुत अच्छा लगा, मैं उस दिन आ नहीं पाया, मुझे यहां आना था, लेकिन चूंकि 3 बजे चुनाव आयोग की बैठक शुरू हो गई तो मैं नहीं चाहता था कि मुझे बीच कार्यक्रम से उठना पड़े, और मैं इसीलिए मैंने कहा कार्यक्रम आपका चार्ज जरूर है, मैं नहीं रहूंगा, लेकिन जनता को वहां का अधिकार मिलना चाहिए, जनप्रतिनिधियों की जो मांग है उसको पूरा किया जाना चाहिए। और परिणाम था, जब मैं अगले दिन पेपर की पट्टिंग में मंगा के देखा, मैंने कहा देखा किसी को 27 साल के बाद, किसी को 25 साल के बाद, किसी को 23 साल के बाद, किसी को 21 साल के बाद उनका मकान का अधिकार मिला, उन लोग चेहरे की खुशी देखने लायक थी उस समय। और हम लोगों के लिए इससे ज्यादा खुशी क्या, जनता जनार्दन खुश है, हम लोग खुश हैं, हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी वही होती है, एक कॉमन मैन खुश है तो हम खुश हैं। लोग कहते हैं कि अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करते हैं क्या डर नहीं लगता, मैं कहता हूं जब पब्लिक सुरक्षित अपने को महसूस करे तो मेरी सुरक्षा उसी में नहीं होती। और इसीलिए यह कार्य जिस प्रतिबद्धता के साथ सरकार कर रही है आप सबके सामने है। एक तरफ वे लोग थे जो कर्फ्यू लगाते थे, और दूसरी तरफ ये सरकार है जो कर्फ्यू नहीं कावड़ यात्रा शानदार तरीके से चला रही है। अंतर है, देखो केवल सोच का अंतर है, उनको कर्फ्यू प्यारा था लेकिन हमें कर्फ्यू नहीं, हमें तो जनता की खुशहाली प्यारी है, जनता जनार्दन जिसमें खुश रहे, जिसमें वो सुरक्षित रहे, जिसमें वो समृद्धि की ओर अग्रसर होगी, और उस कार्य को करने के लिए हम लोग आए हैं। मोदी जी के नेतृत्व में सब कार्य देश के अंदर हो रहा है, गरीब कल्याणकारी योजनाओं के बारे में कोई सोचता है कितना बड़ा कार्य हुआ, हमने अकेले उत्तर प्रदेश में 56 लाख गरीबों को एक एक आवास दिए, 56 लाख गरीबों को, देश के अंदर 4 करोड़ गरीबों को मकान मिले हैं, 80 करोड़ गरीबों को फ्री में राशन की सुविधा,
25 करोड़ गरीब देश के अंदर ऐसे हैं जो गरीबी रेखा से ऊपर उठे हैं, और प्रदेश के अंदर 6 करोड़ गरीब ऐसे हैं जो गरीबी रेखा से ऊपर उठ चुके हैं। 10 करोड़ गरीबों के घर में रसोई गैस का सिलेंडर पहुंच गया, नहीं तो 2014 के पहले क्या था, एक कनेक्शन लेने के लिए हजारों रुपया भी खर्च होता था और रुपया खर्च अलग होता था। पर्व और त्योहार के दिन अगर एलपीजी का सिलेंडर खाली हो गया और सिलेंडर के साथ सारा परिवार का पर्व और त्योहार का जो मजा था वो फीका हो जाता था, क्योंकि रसोई गैस का सिलेंडर, रसोई गैस है ही नहीं घर में, कैसे घर में कोई कुछ बनाएगा, ये सारे फीके हो जाते थे। और अगर कोई जबरदस्ती करता था कि नहीं हमें रसोई गैस चाहिए, तो रसोई गैस तो नहीं मिलती थी लेकिन पुलिस का डंडा जरूर मिल जाता था। लेकिन आज देश के अंदर 10 करोड़ गरीबों को फ्री में रसोई गैस की कनेक्शन भी मिले हैं, और साथ साथ जब मर्जी तब आप रसोई गैस के सिलेंडर ले सकते हैं, कोई बाध्यता नहीं। इसलिए सरकारों ने बांध दिया था कि साल में 6 देंगे, एक यानी जैसे कोटा सिस्टम इन्होंने लागू कर दिया था पूरे देश के अंदर, देश को इसी ढंग से चलाया जा रहा था, देश को कुछ लोगों ने अपनी पपौती बना के रख दिया था। इससे देश नहीं चलता है, हम लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ रह रहे हैं और लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ हमारी प्रतिबद्धता है। इन प्रतिबद्धताओं को आगे बढ़ाते हुए हम सबको कार्य करना है, और इस विषय आज मुझे आपके बीच आने का अवसर प्राप्त हुआ है। गौतम बुद्ध नगर जनपद तो वैसे भी एक सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने वाला जनपद है। आज मैं आपसे यही अपील करने के लिए आया हूं कि जो माहौल बना है, चुनाव के दौरान बहुत कठिन होता है, एक सांसद पद के प्रत्याशी के लिए कि वह घर घर जा सके, इस बार तो जो पहल डॉक्टर महेश शर्मा जी ने की, बहुत सारी सोसाइटी में भी पोलिंग बूथ बन गए होंगे, और मुझे लगता है कि गौतम बुद्ध नगर जनपद में बधाई दूंगा आपको महेश जी, और गौतम बुद्ध नगर जनपद की जनता जनार्दन को भी मैं इसके लिए बधाई दूंगा कि उनको ये सौगात मिल गई है, एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में गौतम बुद्ध नगर जनपद में कार्य लागू हुआ है, कि जो बहुत दूर दूर तक लोग जाते थे। और इसलिए पोलिंग परसेंटेज पे ध्यान देना होगा, यद्यपि दूसरे चरण में ही आपका चुनाव है, लेकिन फिर भी पहले चरण में पहले दिन उस दिन का संकल्प ही हमारा पहला है कि लोकतंत्र के इस महापर्व का हिस्सा बनना और मतदान करना, ये पहला कार्य हमारा होना है। और उसके लिए सोसाइटी में तो ये अवसर मिला ही है, लेकिन मैं आपको इस बात के लिए आश्वस्त कर सकता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में जो डबल इंजन की सरकार कार्य कर रही है, ये समस्या नहीं देती है, समाधान पर विश्वास करती है, और समाधान के लिए भारत को विकसित भारत के रूप में स्थापित करने के लिए आत्मनिर्भर भारत और एक ग्लोबल लीडर भारत के रूप में भारत को स्थापित करने के लिए आप सबको डॉक्टर महेश शर्मा बनना पड़ेगा। रिकॉर्ड वोटों से डॉक्टर महेश शर्मा जी को चुनाव जिताने के लिए लगना पड़ेगा। कोई भी अति आत्मविश्वास का भाव नहीं होना है, युद्ध और चुनाव दोनों पूरी सावधानी और पूरी सतर्कता के साथ लड़े जाने चाहिए, पूरी मजबूती के साथ लड़े जाने चाहिए। हम उसी सतर्कता और सावधानी का परिचय देते हुए एक एक वोट डॉक्टर महेश शर्मा जी को दिलवा करके 80 उत्तर प्रदेश के अंदर 80 मनकों की जो माला मोदी जी के गले में पड़नी है, उसमें से गौतम बुद्ध नगर जनपद की जो माला होगी सर्वाधिक वोटों की होनी चाहिए, क्योंकि देश के अंदर सबसे ज्यादा निवेश भी और सबसे अधिक आर्थिक प्रगति के साथ साथ सब कुछ आपको मिला है, मेट्रो आपको मिल गई,
डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के दोनों ईस्टर्न एंड वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का जंक्शन भी आपको मिल गया, एयरपोर्ट भी आपको मिल गया, फिल्म सिटी भी आपको मिल गई, मेडिकल डिवाइस पार्क भी मिल गया और सब